मैं अभय कुमार, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर्स हमने इसलिए चुना है क्योंकि त्रिभुज और वर्ग से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये CHS वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो चाहे CHS 9th का हो चाहे 11th का हो, दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है ये भी, ठीक है? अभी तक हमने जो भी वीडियोज़ बनाई हैं वो लगभग कॉमन टॉपिक्स पे हैं। CHS 11 की वीडियो हम स्पेशल चैप्टर्स पे, जैसे लॉगरिथम हो गया, ठीक है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गई, या फिर ज्योमेट्री हो गया, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर AP एट्सेट्रा, इन सब पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज एंड वर्ग, त्रिभुज और वर्ग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समभुज त्रिभुज का नाम लिखा गया है, समभुज त्रिभुज का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज। समभुज त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछी गई है हमसे कि हाइट क्या है, और साइड दे दिया गया है, भुजा दे दी गई है कितनी, 12√3 सेंटीमीटर। देखिए, आपको पता होगा फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है गाइस, √3/2 × साइड, ठीक है? तो ये कर्ड़ी में 3/2 गुणे क्या हो जाता है, भुजा। इस बेसिस पे अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो हमारा जो फॉर्मूला होगा हाइट का वो क्या होगा, H√3/2 × साइड कितनी है, देखिए यहाँ पे 12√3 है, ठीक है? देखिए, जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो 2 से ये 12 6 टाइम में कट जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इस बेसिस देखिए तो 6 × 3 कितना आ जाएगा, ये 18, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई आ गई दोस्तों, ये कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। आइए हम लोग बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 / 1/2 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 51 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट दिया है इसका भी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखिए, करना क्या होगा हमें, 1/3, 1/2 और जो 2 का रेशियो है, इसको पहले हमें एक सही रेशियो में ले आना होगा, ठीक है, उचित अनुपात में ले आना होगा। ये कैसे आता है, देखिए यहाँ पे हम upon 1 कर लेंगे, ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे हम upon 1 कर लेंगे। 2, 3 और 1 का ले लेंगे क्या, एलसीएम। ये जो 3 है, 2 है और 1, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, 6, और इस 6 का सब में हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब 6 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 होगा, यहाँ 3 आएगा, और ये 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12। तो जो न्यू रेशियो मिल रहा है वो कितना आ रहा है, 2/3/12। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए, ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप 51 सेंटीमीटर हो। तो हमें पता है दोस्तों कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, सारी भुजाओं का योग कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, सारी भुजाओं का योग। मान लेते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएँ थी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है? तो इनका योग कितना आना चाहिए था, 51 आना चाहिए था। अब हम देखते हैं रेशियो कितना आ रहा है अपना, तो रेशियो कितना था, 2 और 3, और कितना था, 12 का था, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2x, 3x और 12x बराबर कितना हो जाएगा, 51। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x, और ये 12x कितना हो जाएगा, 17x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 51। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 17 * 51, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा देखिए कौन सी होगी, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू 3x और सी की वैल्यू 12x। सबसे छोटी भुजा कौन सी हो रही है हमारी, ए, यानी कि हमें 2x की वैल्यू बतानी है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2 × ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 6। 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए,
यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने लिया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, लेकिन उसके साथ साथ एक एक फॉर्मूला आपको और याद रखना होगा जो कि विकर्ण के रूप में होता है, वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्योंकि हमसे यहाँ पे क्षेत्रफल और विकर्ण की ही बात की जा रही है, इसलिए हम भुजा की बात ही नहीं करेंगे, तो हमारा इसी फॉर्मूले से काम चलेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया 512, ए से हमने क्षेत्रफल को डिनोट किया है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 512 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 1024। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1024, देयर फोर वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू रूट में 1024। अलग से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1024 का, तो कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा गाइज, 32 सेंटीमीटर। तो इस बेसिस पे अगर हम अपना आंसर चेक करते हैं ऑप्शन में से, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि 32 अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज में हमने दो क्वेश्चन लिया हुआ था, एक क्वेश्चन स्क्वायर से था और दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल से था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेज का, एक हमने कर लिया है। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल के बारे में दो बातें कही गई हैं, उनको हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए पहले ट्रायंगल के बारे में क्या कह रहे हैं कि इसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे ही सोचिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट अपॉन टू। इस बेसिस पे देखिए कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है भैया 12 और ऊंचाई कितनी है इसकी 8, ठीक है। तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 48। इसके बाद की बात देखिए, एक एक स्टेप पढ़ेंगे और करते जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये तो हो चुका। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई हमें बतानी है, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ये h हमें बताना है, जबकि इस त्रिभुज का आधार दिया है 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे दिया है पहले वाले क्षेत्रफल का दोगुना। तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, 48, इसका क्षेत्रफल कितना होगा गाइज, 48 का 2 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 48 × 96, दैट मीन्स दिस विल बी 96। तो दूसरे वाले त्रिभुज की एरिया दे दी गई है 96। यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे वही वाला जो हमने ऊपर लगाया था, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। इस वजह से देखिए हाफ हो जाएगा 1/2, और बेस का मतलब यहाँ पे 24 दिया हुआ है। इसके बाद फिर हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी ऊंचाई हमें बताना है, ये कितना हो जाएगा, 96। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से 24 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, और 12 से ये 96 कट जाएगा 8 बार में। तो एच का जो मान आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में 8 सेंटीमीटर जो है आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। इसके बाद आते हैं हम लग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पेज में भी हमने दो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे भी दोनों क्वेश्चन जो हैं त्रिभुजों के ही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन लगेगा ये भी उसी बेस पे लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट के ही फॉर्मूले पे लगेगा। देखिए दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिभुज 1 कर लेते हैं और त्रिभुज 2 कर लेते हैं ना, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 3:4, और उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 2:3। तो ठीक है हम लोग मान लेते हैं ये 3x और 4x, और यहाँ पे कितना है, 2y और 3y है, ये 3x और 4x हो जाएगा और ये 2y और 3y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम राशियाँ नहीं हैं, इसलिए हमने इनका जो अनुपात था उनका अनुपात का गुणज जो लिया हमने सेम नहीं लिया है, अलग अलग ले लिया है, एक वाई लिया और एक
एक्स लिया है, ठीक है, ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। तो आइए बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, बात करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो एरिया 2 = 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को इरेज करेंगे, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इधर लिखते हैं और इधर इसका फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। दूसरे ट्रायंगल की बात हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 2 = ये आ जाएगा आपका। एक छोटा सा काम और कर सकते हैं यहाँ पे कुछ, जो कि काफ़ी आसान होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा आपके यहीं पे 1/2 हो जाएगा इंटू बेस इंटू हाइट, एक के बेस को हमने स्मॉल बी और एक के बेस को हमने कैपिटल बी लिया, और इसी तरीके से एक के बेस को हम एक के हाइट को हमने स्मॉल एच और दूसरे को कैपिटल एच लिया है। देखिए यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होंगे कितने होंगे, 3/4 के अनुपात में होंगे, यानी 3x/2 में कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। यहाँ देखिए इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमें बी और एच की बात करनी है केवल। देखिए यहाँ पे जो ऊंचाइयों का अनुपात दिया है वो दे दिया गया है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 2y/3y, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई से वाई कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। हमें जो मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा, आधारों का अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी है और कैपिटल बी है। तो बी जो था पहले वाले ट्रायंगल के लिए था और कैपिटल बी दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी को ही कैलकुलेट करना है, तो बाकी चीज़ों को हम इधर भेज देंगे। तो इधर जब ये जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, मतलब जब हम 2/3 को लेफ्ट साइड भेजेंगे एक्स वाले साइड में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 4 जा कितना आ जाएगा, 8। तो ये जो नया अनुपात बन रहा है हमारा ऊंचाइयों का आधारों का अनुपात, ये कितना आ जाएगा, 9/8, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे त्रिभुज 1/3 किया हमने और 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला ऊपर भी और नीचे भी लगाया। इसके बाद फिर हमने जो ट्रायंगल के एरिया की जगह पे हमने उनका अनुपात लिख दिया और इधर हाइट की जगह पे हाइट का अनुपात लिख दिया। इस प्रकार से हमें सॉल्व करने पर बेस का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दे दिया गया 144 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप हमसे पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और क्लियर कर दें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि त्रिभुज कौन सा है ये क्लियर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है हम मान लेंगे कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। वैसे क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑथेंटिक तरीके से, तो वहाँ पे आपको ये दिया जाएगा कि ये किस तरह का त्रिभुज है, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, साइड की जगह पे हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए ए स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटू ए स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो दिया गया 144 करड़ी में 3, ठीक है, ये कितना दिया गया इस 144 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बराबर 144 करड़ी में 3। इस तरीके से करड़ी में 3 से कट जाएगा, ये जो ए स्क्वायर का मान होगा ये हो जाएगा 144 × 4। इस तरीके से हमें इसकी भुजा निकालनी होगी, क्योंकि भुजा निकालने के बाद ही हम इसका परिमाप निकाल पाएंगे। तो देखिए भुजा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए का मान निकालना है हमें, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 144 का वर्गमूल 12 और 4 का वर्गमूल 2, क्यों, क्योंकि ए का मान निकालने के लिए हम कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, आपकी 24 हो जाएगी। तो भुजा का मान कितना मिल गया, अब 24। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था गाइज इसका परिमाप, ठीक है। तो जब हमें इसका परिमाप निकालना होगा और समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये होता है 3 × साइड, ठीक है। तो जो भी साइड की वैल्यू आएगी उसको हम लोग 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा जो साइड आया था वो कितना आया था, 24,
तो हो जाएगा 3 × 24, और 24 यहाँ कितना होता है गाइस, 72। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72। मतलब कि ये जो ऑप्शन है आपका सी, ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, और इसे आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी आगे चलकर हम लोग इस पे और भी चीज़ों पे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।